नमस्कार सर। नमस्कार, बताओ। सर प्रकाश भाई बोल रहा हूँ, पूर्व अध्यक्ष एसके कॉलेज सीकर से। हाँ बताइए। हाँ जी सर, आपको कुछ छात्र समस्याएं हैं, आपको मैसेज के थ्रू करी हैं, व्हाट्सएप भी करी हैं, ईमेल भी करी हैं, तो मेल करी होंगी यार, व्हाट्सएप में देख नहीं पाता हूँ। बताओ क्या है, बताओ तो सही, क्या है प्रॉब्लम? सर मुख्य जो समस्याएं हैं अभी हाल ही की, जो एक तो बीएड वाली है, आपको पता होगी वो तो, बीएड वाली? हाँ वो तो है। नहीं, और बीएड में तो आरएलए जो है ना, हाँ जी आरएलए जो बोल रहे हो ना, रिजल्ट जो जिसको हम कहते हैं विथहेल्ड कर रखा है हाँ हाँ यार, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि शायद कॉलेज वालों ने नहीं चढ़ाए हैं नंबर, एक बात। अच्छा दूसरी बात क्या है कि कॉलेज वाले बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी जाने, फिर हम लोग एक एक करके केस बाय केस उसको फिर बोल रहे हैं, तो उसको सॉल्व ऐसे कर रहे हैं हम लोग। तो सर अपने अधीन ही तो है कॉलेज, कोई बाहर नहीं के नहीं कॉलेज है, नहीं। मैंने कह दिया है उनको, लेकिन जैसे जैसे केस आ रहे हैं ना, हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, अच्छा, फिर ऐसे होता है वो। अभी जैसे मान हाँ लीजिए, अभी जैसे यूजी फाइनल के जो कैंडिडेट थे जिनका जी रिजल्ट जी नहीं आया है अभी, यूजीसी मतलब बीएड वाले बोल रहे हो क्या? ना सर यूजी अच्छा, मतलब नॉर्मल बीएड, नॉर्मल, हाँ ठीक है ठीक है। फाइनल ईयर वाले। जी अब बहुत सारे फाइनल वाले बीएड भी करना चाहते हैं, अच्छा उन्होंने एग्जाम भी दिए बीएड की जी, हाँ अपेयरिंग के आधार पे, तो हाँ ठीक है। अभी जिनका रिवल का रिजल्ट अटका है, तो जैसे उनकी देखो फीस, भाई, रिवेल का हम जल्दी से जल्दी करवा रहे हैं, तो सर उनको, बिल्कुल मैं टॉप प्रायोरिटी पे, मेरा रिवेल है भाई, मानो सर मेरी बात। सर आप ये बताओ, चलो मान लिया प्रायोरिटी पे है, तो जैसे बीएड वाली काउंसलिंग है अभी जो सेकंड अपवर्ड मोमेंट है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट अच्छा। तो चली गई, बहुत सारे स्टूडेंट फर्स्ट लिस्ट में जो इलिजिबल थे, मतलब फर्स्ट फर्स्ट राउंड में जिनका सिलेक्शन हो गया था, अगर उनका रिजल्ट टाइम पे आ जाता तो हो सकता था कि वो कर नहीं लेते नहीं बीएड। टाइम पे तो आ जाता, लेकिन हम इन लोगों ने बढ़वाई है रिवेल की डेट। सर रिवेल की डेट बढ़ा दी मान लिया हाँ, और अभी, हम लोग लग रहे हैं उसमें। और सुनो, जो मतलब हम तो ये कह रहे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं ना हमारे पास, हाँ हम जी उनको एक अलग से लेटर टाइप करके दे रहे हैं, अच्छा, तो उससे वो, अब तक तो मेरे पास कोई ऐसा मतलब केस आए थे मेरे पास, मैंने उनको लिख दिया कि ये चीजें हैं, और वो बच्चा खुद ही कह देगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे, तो मैं बता सर रहा हूं आपको। ये जितनी सर आसानी से कही जा रही है ना बातें, उतनी आसानी से काम किया नहीं जा रहा सर। मेरा फोन करने का उद्देश्य ये नहीं था, मेरा फोन करने का उद्देश्य ये था कि जो छात्र जो समस्याएं हैं ना, उनको काफी ज्यादा हजारों की संख्या में मेरे पास छात्र समस्या आई है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा लाइव वगैरह लिया था। इसी के बाद में जैसे मान लो कि बीएड वाले ही हम एक और चर्चा कर लेते हैं। अब जो बीएड के अभी 23 नवंबर है, अभी जो फीस डिपॉजिट कराने की, जमा कराने की, इसके बाद में उनका कंफर्मेशन हो पाएगा। जो सेकंड अपवर्ड मूवमेंट में सिलेक्शन हुए ना, फर्स्ट वाले तो चलो चले गए, उनका तो मान लिया, लेकिन जो सेकंड अपवर्ड मूवमेंट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, तो उनका रिजल्ट आएगा, वो कंफर्मेशन करेंगे कि हम पास हुए हैं कि नहीं हुए, तभी तो वो वहां पे अपनी फीस जमा देखो भाई, करवाएंगे। मैं लग रहा हूं उसी में, लग रहा हूं दिन रात, मैंने आदमी लगा रखे हैं, और जैसे जैसे हो रहा है हम तुरंत भेज रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं हाथों हाथ चेक करो, अच्छा और अच्छा चली भी गई, मैं वास्तव में बता रहा हूं, आधी चली भी गई रिवेल, कब की चली गई। हाँ वो चली गई। अब हाँ सर हाँ हम तो उसी में मैं देख रहा हूं सेकंड अभी। समस्या पर आते हैं सर। सेकंड समस्या ये है कि जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे ना, अपने जो रिजल्ट जारी किया, अब उनमें रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा था, पेंडिंग दिखा बहुत रहे हैं। सारे अच्छा स्टूडेंटों का रिजल्ट पेंडिंग दिखा रहा था, जी जैसे जी रिजल्ट तो जारी ठीक हो है, गया। मैं समझ गया। अब आपने रिवल वाले वो एग्जाम फॉर्म, रिवेल का हम दोबारा सर से बात करके, दोबारा प्लान है हमारा हाँ खोलने सर का, वो हम ही, बच्चों को ही कह रहे हैं। क्योंकि नहीं नहीं मेरे ध्यान है वो, तो जितना हो सकता है हम सर से बात करेंगे, और बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं, आप सर उसके लिए मैं निश्चिंत उनके लिए नहीं रहिए। बोल रहा जो पहले से लगा चुके हैं, पहले जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, मैं हाँ, वंचित उनका उनका अभ्यर्थियों के लिए बोल रिवेल, रहा हूँ। हाँ हाँ सॉरी, रिवेल तो है, लेकिन ये जो बात का है ना, हाँ जी उसमें ऐसा था, मेरे पास कई केसेस आए हैं, जैसे मान लीजिए 3 तारीख लास्ट डेट थी, मान लीजिए हाँ 3 नवंबर, इन लोगों का रिजल्ट 26 तारीख को आ गया था, 25 को आ गया था, 27 को आ गया था, हाँ और फिर बोल रहे हैं कि हम तो 15 दिन लेंगे। मैंने ये कहा कि भाई, जब आपका 25 26 को आ गया था, क्यों नहीं लगा दिया आपने? सही बात है। नहीं लगा, नहीं लगाएंगे हम तो, हम तो लास्ट डेट पे ही लगाएंगे, अब बताओ मैं क्या करूं, तो सर ये जो, ये तो देखो अब क्या बात का, करें बताओ, सर बात का क्या करें पतंगड़ ऐसी स्थिति बनाने में। वाले मैं ना तो छात्र लेता हूँ कि कोई मतलब पक्ष ले रहा हूँ, ना कुछ और है, ना मैं ऐसे अभ्यर्थियों का कोई पक्ष लेना जी जी चाहता। जी नहीं, आप सही कह रहे हो, कोई बात मैं नहीं। जो जायज मांग है ना, उसके लिए आपको कॉल किया है, जो जी जी जायज जी मांग जी है वो हाँ ठीक है, मैं मैंने मान रहा हूं केवल आपकी वंचित अभ्यर्थियों के लिए बोला है, जिनका रिजल्ट पेंडिंग में था और वो जो वंचित रह गए इस वजह बात। से। हाँ, रिवेल से ना, तो हाँ उसकी भी जी हम बात कर रहे हैं, उसका भी हम देख रहे हैं। हाँ हाँ, एक वो अब मेरा निश्चिंत रहो, वो भी हाँ है सर, मेरा सर। थर्ड समस्या ये है कि सर अभी चलो मान लिया जो भी मैनेजमेंट है अपनी यूनिवर्सिटी नई है, तो अब तो मतलब पूरा भवन भी बन चुका है, मैनेजमेंट भाई साहब, बिठाने का भवन काम हमारे तो सर पास आपका स्टाफ है ना। नहीं है भाई, स्टाफ नहीं है भाई,
क्यों नहीं है तो सर स्टाफ सर स्टाफ नहीं है तो वो सरकार की प्रक्रिया है, हमारी नहीं है सर। इस प्रक्रिया में हमें बताएं कि क्या कदम उठाएं, हम करते हैं वो तो देखिए जा चुका है, प्रोसेस चालू है, अब हम रिक्रूटमेंट करेंगे स्टाफ की सर। कोविड वो तो देखो हमारी जो टॉप बॉडी है वही कर पाएगी, हम लोग तो इसमें कुछ नहीं कर पाते। जैसे क्यों नहीं कर सकते हैं सर, आप एक हिस्सा है यूनिवर्सिटी के। नहीं नहीं मैं हूँ, मैं अपने लेवल पे पूरा जी जान लगा रहा हूँ, मानो मेरी बात आप। तो सर मैं पूरा जी जान लगा रहा हूँ, मेरे पास जितने आदमी हैं सबसे मैं रिजल्ट निकलवा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, रोज मैं वो करता हूँ। एक सर आप मानो या ना मानो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मतलब बहुत अच्छे जो प्रदर्शन रहे हैं सारे जो ईयरों में, फर्स्ट में मान लो, सेकंड में मान लो, अन्य सब्जेक्टों की तुलना करें तो कुछ एक आधा सब्जेक्ट ऐसा रहता है कि उनके लगातार मतलब एक दो सालों से लगातार डबल सुने भाई। देखो मैं मान गया लेकिन वो तो अलग अलग एग्जामिनर के पास जाती है ना, और अगर नंबर सेम आ रहे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ सर। कैसे नहीं, जो बंदा एग्जामिनर है भाई, एग्जामिनर ही तो देगा, हम थोड़ी देते हैं सर। एग्जामिनर तो इस ढांचे को मतलब अच्छे बनाने की जरूरत है ना, क्यों आ रहे हैं 00 नंबर अभ्यर्थी, एक नंबर का भी नहीं करके आता। नहीं नहीं हम बिल्कुल बढ़िया एग्जामिनर्स को भेज रहे हैं, और वो अगर दे रहे हैं ऐसा तो वो तो उनका प्रेरोगेटिव है सर, और उसमें तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। मैं तो माफी मांगना चाहता हूँ इस मुद्दे पे, ये बात तो बिल्कुल मतलब जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल शूट नहीं हो रही, क्योंकि जो बंदा एक पेपर के लिए सालों मेहनत करके मतलब मान लो एक महीना उसने तैयारी किया है, दो महीने किया है, तो कुछ तो नंबर आने चाहिए, लगातार सुने सुने नंबर आने की तैयारी। भाई इसका तो सर ये बहानेबाजी, देखो ये बात, ये मुद्दा है ना, ये वाकई मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ जब से अपनी यूनिवर्सिटी चालू हुई। मैं जब यूनिवर्सिटी में नहीं आया था ना, जब मैं प्रिंसिपल था तब भी मेरे साथ ऐसे हुआ था, मेरे भी खुद के बच्चे थे कॉलेज के जो 7-7 बार उनके 0 आए। तो सर तब भी हम लोग कुछ नहीं, हम मुनीश जी से कह के रह गए, मुनीश जी भी बोलते साहब परीक्षक ने दिया, हम कुछ नहीं कर सकते। तो बताओ जो हाँ भी प्रॉब्लम है, या तो हमें बताओ कि ऐसा कुछ करना चाहिए। नहीं देखिए वो तो वैसा तो कोई ऐसा नहीं है, एग्जामिनर प्रॉब्लम तो अब एग्जामिनर देता है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जामिनर ऐसे को देते क्यों, और कोई ढांचा नहीं, 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 नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम लोग अपना खुद का मैनेजमेंट बनाओ सर। नहीं 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 ऐसा क्यों नहीं बना, नहीं होता भाई, एग्जामिनर हम लोग पक्षपात नहीं कर सकते। पक्षपात करने की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं तो चाहता हूँ स्टूडेंट ने जितनी मेहनत करी है, जितना उसका मतलब जिनको जितना मिलना चाहिए, मैं समझ रहा हूँ वो मिले बस, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा नंबर दो कम दो, लेकिन जितनी मेहनत करी है वो मिलना चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है तो भाई मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करूँ, थोड़ी देर बाद। ओके सर, ओके है ना, ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं कुछ विशेष काम, जब भी आपको टाइम मिले सर बता देना। हाँ हाँ आप बता देना, मैं कर लूंगा। अच्छा लगा आपसे बात, मैसेज किया है और ईमेल भी किया है, आप अगर चाहो तो वहाँ पे देख लीजिएगा। नहीं नहीं मैं देख लूंगा, इसी नंबर से किया है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं समझता हूँ समय की व्यवस्था आपके पास भी है। नहीं नहीं वो है, आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा, मैं शायद आपको जानता भी हूँ अगर शक्ल से। हाँ सर, प्रकाश बाजिया नाम है और मैं लास्ट। नहीं 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 मैं जानता हूँ शक्ल से आपको, नाम तो भाई मेरे इतना, मैं तो नया हूँ। हाँ। तो शायद आप आए होंगे मेरे पास। आया हूँ सर, मैं यूनिवर्सिटी में भी आया हूँ और काफी बार, जैसे मैंने फर्स्ट स्ट्राइक करी थी वो जो अचानक एग्जाम को लेकर करी थी मैंने। अच्छा उस समय, तब मैं आपको जान जाऊंगा। हाँ। तब मैं आपको जान जाऊंगा। इसके बाद ये मेरा सेकंड मुद्दा होगा सर, अगर इन बातों पर अगर मनन आप पूरी उम्मीद है, अगर नहीं करोगे तो मैं भाई कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ। मेरे फुल प्रायोरिटी है रिवेल की, अभी तो फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। हाँ जी, केवल रिवेल लगा रहा हूँ मैं, और कॉपियां ढूंढवा के हम भिजवा रहे हैं जल्दी, वास्तव में कल हमने कई भेजी हैं और भी भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके सर, आप कोशिश करिएगा और जब भी टाइम मिले। भाई मैं कोशिश नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं क्यों चाहूंगा बच्चा मेरे पास लगातार आए। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ निकले, मैं तो दिल से चाहता हूँ। तो सर मैं तो चाहता हूँ अगर आप जैसा चाहें अगर वैसा हो जाए तो सभी जो सुविधाएं जो सुविधाएं हो रखी है ना। हाँ, हाँ, मैं मानता हूं, हो मैं मानता हूं, हमारे मैं को आना ही नहीं पड़ेगा, बोलना ही मैं, नहीं पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी। एक और हम चाहते हैं कि हम मतलब हम अपनी यूनिवर्सिटी पे गर्व करें, अब थोड़े थोड़े मतलब ऐसे हो रहा है कि भरोसा उठने लगा है हमारा, नहीं स्टूडेंट का भी हमारा। तो देखो जब से वहाँ पुरानी वाली थी वहां पे भी हमने बहुत मतलब दिन रात आते जाते रहते थे, स्ट्राइक करते थे, तो अब तो क्या है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट भी बढ़ गए हैं, संख्या भी बढ़ गई है, वर्कलोड हो गया है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आदमी कम हो गए और स्टूडेंट बढ़ गए बहुत ज्यादा। वो मैं समझता हूँ परेशानियां हैं, लेकिन इनका निराकरण परेशानी तो करना नहीं है, बच्चों को हेल्प करना है हमें। ठीक है भाई मैं करता हूँ, है ना। ओके सर, धन्यवाद।